आपको बता रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। यूपी की 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। एसपी के एक प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के तेजवीर सिंह ने जीत हासिल की है, एसपी उम्मीदवार आलोक रंजन को हार मिली है। और उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में आज राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। गदगद यहां पर बीजेपी के नेता, समर्थक, कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग के चलते यहां पर हार का सामना भी करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और बड़ी जीत यहां पर हुई है बीजेपी की। 8 उम्मीदवार चुनाव में उतारे, क्रॉस वोटिंग ने एसपी का पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया। तो बता दें कि दोबारा गिनती शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में और अब नतीजे सामने हैं, जहां पर 8 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है।